एलिवंथ क्लास स्टूडेंट्स नमस्कार टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर फोर एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एवेन्यूज ऑफ करियर प्रिपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन तो क्या करियर प्रिपरेशन है हमारे फिजिकल एजुकेशन में है ठीक है क्या क्या चीज़ें क्या क्या मिल, मिल सकती है हमारे आ, इस फिजिकल एजुकेशन में हमारा करियर जो है क्या क्या मिल सकता है किस किस्म की नौकरी किस किस्म की जॉब किस किस्म की प्रो, प्रो, प्रोफेशन हमको मिल सकती है द एबिलिटीज़ एंड स्किल्स एंड ट्रेड्स ऑफ ए पर्सन शोज़ हिज पर्सनैलिटी तो किसी आदमी में क्या क्या काबिलियत है क्या क्या एबिलिटी है क्या क्या स्किल्स हैं क्या क्या ट्रेट्स हैं क्या क्या उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो उससे उसकी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है ठीक है दे आर इंडिविजुअल डिफ्रेंस बिकॉज नो टू मैनज़ आर लाइक तो अगर आप दो बंदे लेंगे दो इंसान ले लेंगे कोई भी दो इंसान दुनिया के तो वो अलग अलग आपको मिलेंगे क्यों क्योंकि उनके जो ट्रेड्स होते हैं कि उनकी एविलिटीज़ जो होती है जो उनकी काबिलियत होती है वो अलग अलग होती है इसलिए वो अलग अलग हैं शक्ल से, से भी अलग है वैसे भी करने से भी है कथनी से भी अलग है करने से भी अलग है हाँ उनमें जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी अलग है ठीक है आप घर में दो भाई लीजिए ना एक ही माँ बाप के वो भी तो आपको अलग ही मिलेंगे ठीक है उनमें अलग अलग ट्रेड्स मिलेंगे एक का तरीका अलग होगा दूसरे का तरीका उससे पूरा भिन्न नहीं होगा ना तो ये चीज़ें तो हमने देखी हुई हैं इफ टू इंडिजुअल्स डू द सेम जॉब सॉरी इफ टू इंडिजुअल्स डू द सेम जॉब अगर दो बंदे एक ही काम करते हैं ना फिर भी उनके काम में फ़र्क आएगा आप दे, देख देख लेना आपको ठीक है तो बट बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड्स एंड ट्रेड्स दे डू दियर जॉब डिफरेंटली ठीक अगर एक ही जॉब पर हैं तो फिर भी वो दोनों बंदे जो है अलग अलग तरीके से करेंगे अपना अपना काम क्यों क्योंकि उनमें अलग जो टेंडेंसीज होती है इंसान की या इनके इंसान के ट्रेट जो होते हैं इंसान की एबिलिटी जो होती है इनके इंसान की कॉम्पिटेंस जो होती है बिकॉज दैट कॉम्पिटेंस डिफर्स फ्राम इंडिजुअल टू इंडिजुअल फ्राम पर्सन टू पर्सन दैट इज़ वाई दे डू दिया जॉब इन ए डिफरेंट वे ठीक है कुछ कुछ मिलता जुलता ज़रूर होगा लेकिन करते तो अलग तरीके से ही है एंड द सोसाइटी एक्सेप्ट द पीपल हु वर्क एफिशेंटली लेकिन सोसाइटी में कौन सा एक्सेप्ट होता है एंड द सोसाइटी एक्सेप्ट द पीपल

सोसाइटी में आपने देखा होगा ना एंड सेट एग्ज़ाम्पल फॉर अदर्स और वो दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बना ही लेता है इन फिज़िकल एजुकेशन पीपल विध डेडिकेशन एंड हाई मॉरल वैल्यूज़ आर नीडेड फिजिकल एजुकेश जैसे बाकी भी, बाकी सब्जेक्ट बाकी एरियाज में बाकी सफेयर्स में भी, बाकी सब्जेक्ट्स में ठीक है तो यही चीज़ है डेडिकेशन चाहिए हाई मॉरल वैल्यूज चाहिए डेडिकेशन चाहिए इंसान में ठीक है फिजिकल फिटनेस चाहिए तो फिर हार्ड वर्किंग चाहिए ठीक एफिशेंट चाहिए ठीक है काम एंड कूल चाहिए उसका माइंड ठीक ये सारी चीज़ यहाँ भी तो वही चाहिए स्पेशलिस्ट एंड ट्रेंड पीपल Or to take up तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं और या ट्रेंड पीपल होते हैं पोजिशन उनको तो फिर अच्छी अच्छी पोस्ट दी जाती है ऐसे नहीं रेस्पॉन्बल पोस्ट हाँ इन डिफरेंट एरनाज ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट एरियाज ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन उनको अलग अलग पोस्ट दी जाती है अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने स्किल के हिसाब से हाँ अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वेर इस्टेबलिश वेयर टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटि ट्रेनिंग इज इंपार्टेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोले गए स्कूल सपोर्ज इंस्टीट्यूशन आप स्कूल जैसे जहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग जाती है कि इनको उन बंदों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं कि इसमें फिजिकल एजुकेशन साइड में द कोर्सेज विच आर रन बाई दीज इंस्टीट्यूशन जो कोर्स चलाए जाते हैं वो कौन सा है सी पी एड है एक कोर्स वन ईयर रेगुलर कोर्स ठीक सी पी एड बी पी एड है थ्री ईयर रेगुलर कोर्स डी पी ए कोर्स वन ईयर रेगुलर कोर्स बी पी एड कोर्स इज ईयर वन ईयर रेगुलर कोर्स एम पी एड कोर्स इज दिए टू ईयर रेगुलर कोर्स ठीक तो ये आपकी बुक पर भी सारी चीज़ें दी हुई है डी पी एड बी पी एड एम पी एड कोर्स टू ईयर रेगुलर कोर्स इसके साथ साथ और भी सारे कोर्सेज हैं होते हैं ठीक है थीके? जैसे हमारे पास है यहाँ पर एम पी देखिए एम पी एड इसके बाद अगर कोई एम करना चाहिए तो एम पी एड इज़ टू ईयर्स रेगुलर कोर्स ठीक ये वाला एम पी एड फिर एम फिल कोर्स भी कर सकता है आगे भी बढ़ना चाहता है तो बड़ी पोस्ट पे जाना चाहता है उसका मन करता है कि मेरा मुझको अच्छा पोस्ट मिले तो उसके लिए उसको और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है फिर एम फिल कोर्स भी रेगुलर कोर्स फिर पी करना चाहे कोई तो ही कैन डू पी एच डी ऑल्सो है कोर्स एक वन ईयर रेगुलर कोर्स ये भी सर्टिफिकेट कोर्स सिक्स मंथस का भी है फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा है योगा में सर्टिफिकेट कोर्स सिक्स वीक्स का बी फिज़िकल एजुकेशन कोई करना चाहे तो वो भी है देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ विच रन डीज कोर्सेज़ तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं और जो ये जो कोर्सेज़ हैं वो चलाती हैं या जो ये कोर्सेज जो हैं वो कराते हैं ठीक है तो इस तरह से आपने आज क्या पढ़ा आज आपने पढ़ा कि जो एवेन्यूज़ ऑफ़ करियर एजुकेशन कहाँ कहाँ पर है फिर हमने बोला कि कितने सालों का कोर्स होता है डिग्री का नाम क्या होता है तो सबसे पहले आपने पढ़ा इंसान की एबिलिटीज़ के बारे में इंसान की स्किल्स के बारे में तो जो बंदे को स्किल्स अच्छी होती है वन हु इज़ कॉम्पिटेंट वन हु इज़ हार्ड वर्किंग वन हु इज़ टेलीजेंट वन हु इज एफिशेंट वन हु हुज़ द कैपेसिटी टू टेक अप न्यू चैलेंज ऑल्सो ही कैन गो इन फिजिकल एजुकेशन एंड ही कैन गो गेट ए गुड पोस्ट ऑल्सो बाई डूइंग डिफरेंट कोर्सेज वो डिफरेंट कोर्सेज के बारे में तो हमने बोला कोई टू ईयर कोर्स है कोई थ्री ईयर कोर्स है एंड अकॉर्डिंग टू इज कोर्स अकॉर्डिंग टू इज क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेडिकेशन अकॉर्डिंग टू इज एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू इज मेरिट ही विल गेट जॉब ऑल्सो ठीक तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है डेडिकेशन होती है हाई मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए फिर स्पेशलिस्टों के लिए अलग ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन उनके लिए अलग इंस्टीट्यूशन उनके लिए अलग अलग कोर्सेज़ है तो फिर अपनी इंटरेस्ट जिसमें आपकी डिज़ायर है या इंटरेस्ट है तो फिर वो कोर्स आप कर सकते हो एंड यू कैन गेट ए जॉब अकॉर्डिंगली सो दिस वॉज टूडेज़ क्वेश्चन एक्सप्लेन द एवेन्यूज ऑफ करियर प्रिपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन फिर हमने बोला यहाँ पर कौन सा कोर्स कितने टाइम

to his ability uh, or according to his desire uh, according to his need he later on gets a job also in physical education so with this i wind up today's lecture uh, so uh, thanks thanks a lot